हेलो एवरी वन वेलकम टू द लर्निंग प्लेटर सी एस इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर इससे पहले दो क्लासेज में हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर डिस्कस किया है कौन से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एच पी एस सी कंप्यूटर लेक्चरार ठीक है तो देखिए यहाँ पे अब हमारे दो टॉपिक्स रहते हैं ये दो टॉपिक्स रहते हैं मेमरी हेर की कैशे मेन मेमरी एंड सेकेंडरी मेमरी और आईओ इंटरफेस ठीक है ये वाला टॉपिक्स जो है ये दोनों टॉपिक्स हम इस वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो हमारे कैशे में आते हैं ठीक है मेमोरी हेरकी में देखिए हमने क्या क्या चीज़ देखनी है कैशे मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी तो देखिए जो कैशे में आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आपके प्रैक्टिकल हैं तो नहीं आ सकते ये क्वेश्चन एच में भी आते हैं तो इस एग्जाम में भी आने के चांसेस रहेंगे आपके ठीक है तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कैशे हिट रेट दिया हुआ होता है कैशे एक्सेस टाइम दिया हुआ होता है मेमोरी एक्सेस टाइम मेन मेमोरी एक्सेस टाइम गिवन है ठीक है और आपको एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम कैलकुलेट करना होगा और इसी तरह से ये तो दो थे लेवल और तीन लेवल्स भी हो सकते हैं ठीक है थीके? ये आपको जब पूरा क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं मेमोरी यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मेमोरी यूनिट क्या है एक एसेंशियल कॉम्पोनेंट है किसी भी कंप्यूटर में क्योंकि हमें स्टोर करना पड़ता है चीज़ों को ठीक है प्रोग्राम्स को डेटा को इंटरमीडिएट फाइनल इनिशियल सभी जो भी डेटा होता है उसे क्या करना पड़ता है स्टोर करना पड़ता है तो इसके लिए मेमोरी यूनिट की हमें क्या पड़ती है रिक्वायरमेंट अब देखिए जो मेमोरी हर की डिज़ाइन है इसमें मेनली दो तरह की हमारी मेमरीज रहती हैं एक्सटर्नल मेमरी जिसे हम सेकेंडरी मेमरी भी बोलते हैं और साथ में इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी तो देखिए इसमें मैग्नेटिक डिस्क ऑप्टिकल डिस्क मैग्नेटिक टेप इस तरह के सभी डिवाइसेस रहते हैं हमारे ठीक है जहाँ जो एक्सेसिबल हैं प्रोसेसर को वाया आयो मॉड्यूल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू क्या करता है प्रोसेसर उन्हें एक्सेस करता है देन वी हैव मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी जिसे बोलते हैं कि उसमें हमारे पास मेन मेमोरी कैश मेमोरी सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं प्रोसेसर के थ्रू तो देखिए ये जो हमारी हर है इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सीपीयू रजिस्टर्स देन कैशे मेमोरी विच आर इंप्लीमेंटेड बाय स्टैटिक रैम्स देन मेन मेमोरी डायनेमिक रैम्स देन मैग्नेटिक डिस्क एंड देन फोर्थ लेवल इज ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप थर्ड लेवल है आपका मैग्नेटिक डिस्क ठीक है तो ये हमारे डिफरेंट लेवल्स होती हैं तो अगर हम देखें तो जो कॉस्ट है इस तरह से बढ़ती रहेगी ठीक है लास्ट में यहाँ तक जब पहुँचते हैं तो कॉस्ट क्या हो जाती है कम होती रहेगी ठीक है इस तरह से अगर बात करें तो कॉस्ट डाउन होगी और कैपेसिटी की अगर बात करें तो वो भी हमारी क्या होगी इस तरह से इंक्रीज़ होगी ठीक है कैपेसिटी इस तरह से हमारी क्या होगी इंक्रीज़ होगी ठीक है यहाँ पे कम रहेगी कैपेसिटी यहाँ ज़्यादा होती रहेगी ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये एक्सपेंसिव होती है ठीक है जो भी लेवल जीरो वन टू थ्री इस तरह से जब इनकी कॉस्ट क्या हो रही है डिक्रीज़ हो रही है इधर जाते हैं तो कॉस्ट क्या होगी डिक्रीज़ होगी तो वह उसी तरह से हमारी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगी ठीक है क्योंकि कॉस्ट कम होगी तो कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कैशे मेमोरी ठीक है memory, तो जो क्वेश्चन होते हैं देखिए यहीं से उठाए जाते हैं ठीक है अलग से कहीं से नहीं आते हैं तो एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे कैशे मेमोरी क्या होती है स्पेशल वेरी हाई स्पीड मेमोरी है ठीक है तो ये किसको स्पीड अप ये क्या करती है स्पीड अप करती है और सिंक्रोनाइज करने में हेल्प करती है किसके साथ हाई स्पीड सीपीयू के साथ ठीक है स्पीड सी की क्या होती है हाई होती है तो इसलिए हम ये मेमोरी कौन किस तरह की यूज़ कर रहे हैं हाई स्पीड मेमोरी यूज़ कर रहे हैं ये कॉस्टली होती है मेन मेमोरी से लेकिन या डिस्क मेमोरी से कॉस्टली रहेगी लेकिन इकोनॉमिकल होती है मतलब चीपर होती है सी पी रजिस्टर्स से अब कैशी मेमरी देखिए ये क्या है एक्सट्रीमली फास्ट मेमरी दैट एक्ट्स एज अ बफर ये किन किन दो चीज़ों के बीच में बफर की तरह वर्क करी है रैम और सीपीयू के बीच में ठीक है कैशे मेमोरी इज एक्टिंग लाइक अ बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू कैशे से ये लगा के चलिए आपका एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है ठीक है एक क्वेश्चन आपका कैशे से आएगा ही आएगा उसके अकॉर्डिंग आप देखिए चाहे तो हो सकता है थेरेटिकल आए और चाहे हो सकता है कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दें तो वो भी हो सकता है ठीक है दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं मेमरी से अब देखिए ये क्या होल्ड करके रखता है फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सो दैट दे आर इमीडिएटली अवेलेबल टू द सी पी यू वेन नीड इड ठीक है तो ये कौन सी कौन सी डेटा को या इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है जो बार बार जो जल्दी जल्दी से हम रिक्वेस्ट करते हैं उन सभी डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करता है होल्ड करके रखता है ताकि ये जल्दी से क्या कर पाए फटाफट से पकड़ा पाए किसे सी पी यू को सो कैश मेमरी इज़ यूज टू रिड्यूज़ द एवरेज टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम मेन मेमरी तो क्या होता है अदरवाइज मेन मेमरी से हम बात करते आ रहे हैं शुरुआत से कि हमें जो भी डेटा होता है जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं जो जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है वो कहाँ पे पड़ा होगा मेन मेमोरी में पड़ा होगा ठीक है तो वो उसे एक्सेस करने का जो टाइम है वो हम क्या कर रहे हैं कैशे मेमोरी के थ्रू रिड्यूस कर रहे हैं ठीक है सो इट इज़ यूज टू रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम मेन मेमरी ये स्मॉलर होती है फास्टर होती है और जो फ्रिक्वेंटली डेटा होता है उसे मेन मेमोरी से अपने वहाँ पे अपनी जो भी इसका स्पेस होता है वहाँ पे कॉपी करके रख लेती है ठीक है तो चलिए देखिए यहाँ पे हमारे पास सी है ये प्राइमरी मेमरी है ये सेकेंडरी मेमरी है और यहाँ पर हमारा कैशे मेमरी है अब देखिए कैश परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें वेन द प्रोसेसर नीड्स टू रीड और राइट टू लोकेशन इन मेन मेमरी ठीक है तो जब भी किसी भी लोकेशन पे प्रोसेसर ने लिखना है या रीड करना है रीड करना है चाहे राइट करना है मेन मेमोरी में, में वो सबसे पहले कहाँ चेक करता है कैशे में चेक करता है ठीक है तो अगर प्रोसेसर को वो जो भी आइटम वो देख रहा है वो कैशे में मिल जाती है वो मेमोरी लोकेशन बेसिकली कैशे में मिल जाती है तो क्या बोलते हैं कैशे हिट हो गया ठीक है क्या बोलेंगे उसे कैशे हिट हैज अकर्ड और जो डेटा है वो कैशे से रीड कर लिया जाता है अगर अब प्रोसेसर है उसे वो मेमोरी लोकेशन कैशे में नहीं मिली है दैट मीन्स कैशे मिस हैज अकर्ड तो क्या हो जाएगा कैशे मिस होगा और अगर कैशे मिस होगा तो नई एंट्री उसे एलोकेट की जाती है कैशे को अब फिर कॉपी किया जाता है डेटा कहाँ से मेन मेमोरी से और इस तरह से प्रोसेस आपका चलता है ठीक है अब देखिए परफॉर्मेंस कैशे मेमोरी की जो है वो किस तरह से मेजर की जाती है जनरली हिट रेशियो के उससे ठीक कितना बार कितनी बार हम चेक कर रहे हैं अगर डेटा हिट कैशे में और मिल रहा है हमें ठीक है तो वो क्या हो जाएगा हिट रेशियो हो जाएगा तो उस वो कैसे कैलकुलेट होता है कितना हिट है नंबर ऑफ़ हिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ हिट्स प्लस नंबर ऑफ मिस ठीक है तो कितनी बार हम हमारा हिट हुआ कितनी बार हमें मिल गया सक्सेसफुली और कितनी बार आ, हमने तो, टोटल एक्सेस किया वो चीज़ आ जाएगी ठीक है तो नंबर ऑफ हिट्स डिवाइडेड बाई टोटल एक्सेस विल गिव अस हिट रेशियो सो वी कैन इम्प्रूव कैशे परफॉमेंस यूजिंग हाई कैशे ब्लॉक साइज ठीक है अगर हमें कैशे की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है ठीक है इंप्रूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं एक तो देखिए मेन मेमोरी का साइज़ ये है कैशे का साइज़ ये है तो इसमें लिमिटेड ही अमाउंट आ सकती है एक बार में ठीक है जितना मेन मेमोरी में कंटेंट है उतना तो कैशे में नहीं आ सकता अब हम क्या कर सकते हैं एक तो हायर कैशे ब्लॉक साइज लें या हायर एसोसिएटिविटी रखें या रिड्यूस करें मिस रेट को या रिड्यूस करें मिस पेनल्टी या रिड्यूस करें टाइम टू हिट इन द कैश ठीक है जो इन चीज़ों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं परफॉर्मेंस को कैशे की इम्प्रूव कर सकते हैं ठीक है तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता रहना चाहिए कि हाँ सबसे पहले तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट देखिए मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में तो दो तरह से होती है साइमल्टेनियस एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड हायरिकल मेम एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन तो देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है साइमल्टेनियस एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि सीपीयू जो है वो इस लेवल पे और इस लेवल पे साथ के साथ देख रहा है सपोज़ ये कैशे है और ये मेन मेमोरी है ठीक है ये कैशे है ये मेन मेमोरी और ये सेकेंडरी मेमोरी है ठीक है अलग अलग लेवल्स हैं मेमोरी के ठीक है साइमल्टेनियस एक्सेस मीन्स कि वो एक ही बार में एक ही साथ सभी लेवल्स पर चेक कर रहा है ठीक है और दूसरा क्या होता है हायरकल एक्सेस कि सबसे पहले सीपीयू फर्स्ट लेवल पे चेक कर रहा है वहां नहीं मिला तो सेकेंड लेवल पे चेक करेगा वहां नहीं मिला देन थर्ड लेवल पे चेक करेगा ठीक है तो दो तरह से होता है हमारा एक्सेस करने का सिस्टम कंप्यूटर्स uh, में ठीक है सो हायर एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होता है और साइमल्टेनियस एक्सेस मेमरी ऑर्गेनाइजेशन होता है ठीक है तो देखिए यहीं से वो क्वेश्चंस बने हुए हैं जो हमने पहले देखे थे स्टार्टिंग में ठीक है तो वो क्वेश्चंस हम इसी इन्हीं फार्मूलाज से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो इन फार्मूलाज़ को आप बहुत अच्छे से देखेंगे ठीक है ये क्वेश्चन आपका नाइन्टी परसेंट चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में आ जाए तो देखिए अब जब हम लेवल वन की बात करते हैं तो टी वन यहाँ पर हम डिफरेंट देखिए चीज़ें यूज़ कर रहे हैं टी वन एच वन एच टू टी टू ये क्या हैं सबसे पहले ये समझ लेते हैं तो देखिए T1 क्या है एक्सेस टाइम ऑफ लेवल वन T1 क्या है एक्सेस टाइम ऑफ लेवल वन S1 क्या है साइज ऑफ लेवल वन C1 क्या है कॉस्ट पर बाइट ऑफ लेवल वन H1 क्या है हिट रेट ऑफ लेवल वन इन फॉर्मूलाज़ में हम दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं क्या यूग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं T1 एंड H1 ठीक है T1 वन टी टी टू एच टू इस तरह से चीज़ें यूज़ करेंगे T1 क्या है एक्सेस टाइम ऑफ लेवल वन और एच वन क्या है हिट रेट और इसी तरह से टी टू और एच टू क्या है एक्सेस टाइम ऑफ लेवल टू एंड हिट रेट ऑफ लेवल टू तो देखिए जब हम साइमल्टेनियस एक्सेस कर रहे हैं तो उस केस में अगर हमारे पास दो लेवल्स हैं तो फॉर्मूला क्या रहेगा एच वन मल्टीप्लाइड बाय टी वन ठीक है हिट रेशियो लेवल वन की देन मल्टीप्लाइड बाय टाइम टाइम कितना लग रहा है ठीक है प्लस करेंगे दो लेवल्स हैं फर्स्ट लेवल का ये काम हो गया सेकेंड लेवल पे हम क्या कर रहे हैं वन माइनस एच वन कि एच वन पे नहीं हो पाया देन वन माइनस एच वन करेंगे मल्टीप्लाइड बाय एच टू मल्टीप्लाइड बाय टी टू तो देखिए अगर यहाँ पे नहीं मिला और सेक टू ही लेवल्स पे वो सर्च कर रहे हैं तो सेकेंड लेवल पे तो मिलेगा ही इसलिए हम H2 को क्या करेंगे वन से रिप्लेस कर देंगे अब जब हम H2 को वन से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T2 आ जाएगा जस्ट और H2 टू यहाँ पे वन है तो इसलिए हमने क्या कर दिया उसे हटा दिया ठीक तो है तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका अगर टू लेवल्स होंगे और आपको कैलकुलेट करना होगा साइमल टेनियस एक्सेस मेमरी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से ठीक है ये आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा कि आपने साइमल से करना है या हेर से करना है ठीक है तो ये फॉर्मूला रहेगा एच वन मल्टीप्लाइड बाई टी वन प्लस एच वन माइनस एच वन मल्टीप्लाइड बाई टी टू अब देखिए इसी अगर हम थ्री लेवल्स पर लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा एच वन मल्टीप्लाइड बाई टी वन देन वन मल्टीप्लाइड बाय एच वन वन माइनस एच वन मल्टीप्लाइड बाई टी टू ठीक है ये चीज़ आ जाएगी ये आगे रिमूव हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में और इसी को ही आगे अगर फर्दर लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा वन माइनस एच वन वन माइनस एच टू मल्टीप्लाइड बाई टी थ्री ठीक है क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय टी थ्री सॉरी यहाँ पे एच टू रहेगा ठीक है यहाँ पे एच थ्री गायब हो जाएगा क्योंकि वो मैक्सिमम जो भी लास्ट लेवल होगा वहाँ पे ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा ठीक है यस यस ठीक है ये यहाँ पे एच टू रहेगा यहाँ पे एच थ्री नहीं होगा ठीक है तो क्योंकि फर्स्ट जो लास्ट लेवल होता है वहाँ पर वन आ जाता है हमारा उसका कि वहाँ पर तो वो मिलेगा ही मिलेगा दैट्स वाई हम वहाँ पर हम क्या लेते हैं हीट रेशियो वन ले लेते हैं ठीक है तो ये क्या रहेगा एच वन मल्टीप्लाइड बाई टी वन मल्टी प्लस वन माइनस एच वन मल्टीप्लाइड बाई एच टू मल्टीप्लाइड बाई टी टू वन माइनस एच वन वन माइनस एच टू मल्टीप्लाइड बाई टी थ्री अगर थ्री लेवल्स होंगे तो इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा ठीक है अब देखिए हरिकल में क्या होगा यहाँ पे एच वन मल्टीप्लाइड बाई टी वन तो होगा अब नेक्स्ट में क्या करेंगे ये वन माइनस एच वन एज इट इज़ किया है हमने और यहाँ पे क्या करेंगे टी वन प्लस टी टू करेंगे ठीक है क्या करेंगे टी वन यहाँ पे हम क्या करे थे सिर्फ T1 वन करे थे इस केस में क्या होगा T1 वन प्लस टी करेंगे ठीक है जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन तो वहाँ पे भी यही रहता है T1 वन प्लस टी अब देखिए थ्री लेवल्स होंगे तो वो क्या करेंगे H1 वन मल्टीप्लाइड बाई टी वन वन माइनस एच टू मल्टीप्लाइड बाई एच टू मल्टी टी वन प्लस टी टू नेक्स्ट जाएंगे तो एच वन माइनस एच वन वन माइनस एच टू मल्टीप्लाइड बाई टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री ठीक है एक बार तो इसको वापस रिवाइंड करके आप दोबारा देखें ठीक है तो और चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी ठीक है तो चलिए ये फॉर्मूलाज देख लिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वॉट इज़ द एवरेज मेमरी एक्सेस टाइम फॉर अ मशीन विद अ क कैश हिट रेशियो एट्टी परसेंट एंड कैशे एक्सेस टाइम ऑफ फाइव नैनो सेकेंड्स एंड मेन मेमरी एक्सेस टाइम ऑफ हंड्रेड नैनो सेकेंड्स वे अब देखिए दो लेवल्स दिए हुए हैं सिर्फ सबसे पहले तो ये जज करना है कैशे दिया हुआ है और साथ में मेन मेमोरी दिया हुआ है इट मीन्स टू लेवल है ठीक है टू लेवल है अब दोनों जगह ये चीज़ को यूज़ करना है हमने साइमल्टेनियसली एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में भी बताना है कि एवरेज एक्सेस टाइम क्या रहेगा और हायर एर्किकल में भी बताना है तो देखिए फार्मूलाज क्या रहेंगे ये फॉर्मूला आप नोट करके इसे याद करें अच्छे से तो देखिए क्या रहेगा एच वन मल्टीप्लाइड बाय टी वन प्लस वन माइनस एच वन मल्टीप्लाइड बाई टी टू और दूसरे के केस में क्या रहेगा टी वन प्लस टी टू हो जाएगा दैट्स इट इतना ही चेंज है ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है फ़र्क ठीक है तो एच वन मल्टीप्लाइड बाई टी वन ये रहेगा और आगे इसको जर्नलाइज करना है तो थ्री के लिए लेकर जाना है फोर के लिए लेकर जाना है तो अकॉर्डिंगली ही आप इसमें एडिशंस कर देंगे ठीक है तो देखिए एच वन मल्टीप्लाइड बाई टी वन अब देखिए यहाँ पे एच वन क्या है ठीक है यहाँ पे एच वन क्या है जीरो पॉइंट एट ठीक है एट्टी परसेंट दिया हुआ है दैट मीन्स जीरो पॉइंट एट है टी वन क्या है फाइव नैनो सेकेंड्स है वन माइनस एच वन क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट टू और टी टू क्या है हंड्रेड है ठीक है इसी को ही जब हम पुट करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट एट मल्टीप्लाइड बाई फाइव जीरो पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड ठीक तो अब फोर प्लस ट्वेंटी दैट मीन्स ट्वेंटी फोर नैनो सेकेंड्स हमारे पास आ गया एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम जब हम ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं अब देखिए सेकेंड के केस में क्या हो जाएगा एच वन मल्टीप्लाइड बाई टी वन दैट मीन्स जीरो पॉइंट एट मल्टीप्लाइड बाय फाइव सेम देन वन माइनस जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट टू आ गया अभी वन हंड्रेड प्लस फाइव नैनो हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया वन हंड्रेड प्लस फाइव ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि देखिए इस वाले केस में हमें क्या करना पड़ रहा है फर्स्ट लेवल को करना पड़ रहा है एक्सेस देन सेकेंड वाले को कर रहे हैं ठीक है थीके? तो दोनों का टाइम ऐड कर रहे हैं सेकेंड लेवल पर जाने के लिए अगर फर्स्ट पे हो गया दैट सेट अगर सेकेंड पे मिल रहा है तो फिर हम वहाँ पे पहुँचने के पहुँच रहे हैं तो फर्स्ट वाले का टाइम जो है वो भी उसमें ऐड कर रहे हैं तो उस तरह से कैलकुलेट किया हमने तो क्या आ गया ट्वेंटी फाइव नैनो सेकेंड्स आ गया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं अ कंप्यूटर हैज़ अ कैश ए मेन मेमरी एंड अ डिस्क यूज फॉर वर्चुअल मेमोरी एंड एक्सेस टू द कैश ए टेक्स टेन नैनो सेकेंड्स तो देखिए कितने लेवल्स हैं थ्री लेवल्स आ हो कैश ए मेन मेमरी एंड डिस्क सो एक्सेस टू द कैश ए टेक्स टेन नैनो सेकेंड्स ये टाइम दिया हुआ है दैट इज टी वन टी टू हंड्रेड नैनो सेकंडस टी थ्री टेन थाउजेंड नैनो सेकेंडस कैश हिट क्या दिया हुआ है जीरो पॉइंट नाइन मेमोरी हिट क्या दिया हुआ है जीरो पॉइंट एट ठीक है अब देखिए साइमलटेनियस एक्सेस जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैसे आ जाएगा ये यहाँ थ्री लेवल्स हैं तो देखिए एच वन मल्टीप्लाइड बाई ए वन वन माइनस एच वन मल्टीप्लाइड बाई एच टू मल्टीप्लाइड बाई टी टू ये एज इट इज टी टू टू के साथ आ जाएगा वन माइनस एच वन कर लेंगे फिर वन माइनस एच वन वन माइनस एच टू एंड एच थ्री मल्टीप्लाइड बाई टी थ्री अब देखिए ये जीरो पॉइंट नाइन मल्टीप्लाइड बाई टेन आ गया फर्स्ट लेवल का जीरो uh, उसका क्या था मेन मेमोरी का जीरो पॉइंट एट है हिट रेशियो और वन हंड्रेड नैनो सेकेंड्स टाइम है वन माइनस पॉइंट नाइन कर दिया यहाँ यहाँ पे वन माइनस पॉइंट नाइन एंड वन माइनस पॉइंट एट और मल्टीप्लाइड बाय वन मल्टीप्लाइड बाय टेन थाउजेंड ठीक है क्योंकि ये हमेशा क्या रहता है वन रहता है हिट रेशियो लास्ट वाले में तो क्या रहेगा वन रहेगा ठीक है, रहे है. तो अब इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा ठीक है क्वेश्चंस अगर नहीं हम पढ़ते हैं नहीं चीज़ें समझते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं इसमें क्या कुछ पूछा हुआ है रैंडमली किसी भी ऑप्शन पे आप आंसर करेंगे ठीक है लेकिन आई सजेस्ट कि आप अगर पढ़ेंगे एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से देखिए समझ में ज़रूर आएगा तो देखिए नेक्स्ट वाला कौन केस कौन सा ये हमारा कौन सा है साइमल्टेनियस और ये कौन सा है हेरिकल अब देखिए इस केस में क्या हो जाएगा हमारा कहाँ चेंज आएगा यहाँ टी वन प्लस टी टू हो जाएगा टी टू की जगह और यहाँ टी थ्री की जगह क्या हो जाएगा टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री ठीक है इतना ही चेंज आएगा और बाकी नंबर्स क्वांटिटीज हमारे पास है ही है और उन्हें पुट करके हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर एग्ज़ाम में आपके पास आ जाता है नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है देखिए वो क्या है कैशे मैपिंग है कैशे मैपिंग होता क्या है कई बार चीजें क्या होती हैं सिंपल पूछ ली जाती हैं वन लाइनर में क्या होता है सिंपल डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है ऐसी ऐसी टर्म्स जो यूजुअली हम नहीं यूज़ करते हैं ठीक है ना तो देखिए यहाँ पे कैश मैपिंग होता क्या है इट डिफाइन्स हाउ अ ब्लॉक फ्रॉम द मेन मेमोरी इज़ मैप्ड टू द कैश मेमोरी इन केस ऑफ अ कैश मिस ठीक है तो यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं कि जब कैशे अगर तो कैशे में मिल जाता है वो तो कैशे हिट हो गया अब कैशे हिट नहीं हुआ कैशे मिस हो गया दैट मीन्स अब मेन मेमरी से हमें जो भी कंटेंट है वो कैशे में ले आना पड़ेगा ठीक है तो वो यही बताता है कैशे मैपिंग कि किस तरह से एक ब्लॉक मेन मेमोरी से कैशे मेमोरी में के साथ मैप किया जाएगा ठीक है सो कैशे मैप मैपिंग इज़ अ टेक्निक बाय विच द कंटेंट्स ऑफ मेन मेमोरी आर बॉट ब्रॉट इन टू द कैशे मेमोरी ठीक है कि किस तरह से वो टेक्निक है कैशे मैपिंग जिसके थ्रू हम मेन मेमोरी से कंटेंट कहाँ लेकर जा रहे हैं कैशे मेमोरी में लेकर जा रहे हैं तो देखिए इसका अगर हम देखें सिंपली प्रोसेस तो ये क्या है हमारा एक प्रोसेसर है इसमें रजिस्टर्स हैं देखिए ये कैशे है ये मेन मेमोरी और ये सेकेंडरी स्टोरेज है तो वर्चुअल मेमोरी मैपिंग भी होती है देन ये क्या होती है कैश मैपिंग होती है ठीक है जब कंटेंट हमारे यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है तो ये क्या है कैशे मेमरी कैश मैपिंग है तो देखिए मेन मेमोरी जो होती है वो डिवाइडेड होती है इक्वल साइज़ पार्टीशंस में जिन्हें हम क्या बोलते हैं ब्लॉक्स भी बोलते हैं और फ्रेम्स भी बोलते हैं कैशे मेमोरी डिवाइडेड होती है पार्टीशन्स में जिनका सेम होता है साइज एज दैट ऑफ ब्लॉक्स और उन्हें क्या बोला जाता है लाइंस बोला जाता है ठीक है जैसे हम पेजिंग में करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग का कॉन्सेप्ट होता है उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास पेजेस और ब्लॉक फ्रेम्स होते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है फ्रेम्स हैं और लाइंस हैं ठीक है वहाँ पे हम हम यहाँ से इन दोनों के बीच में मैपिंग कर रहे हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर हम किसके बीच में कर रहे हैं कैशे और मेन uh, मेमोरी के बीच में करें तो यहाँ पे हमारे पास जो ये है ये किस में डिवाइडेड है फ्रेम्स में डिवाइडेड है पूरा पार्टीशन जो है इक्वल साइज uh, मतलब जो भी मेमोरी है वो इक्वल साइज पार्टीशन में जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं फ्रेम्स और यहाँ पे किस में डिवाइडेड है लाइंस में डिवाइडेड है ठीक है तो यहाँ पर देखिए जब भी कैश मैपिंग होती है जब भी कैश मैपिंग होती है तो ब्लॉक्स जो मेन मेमरी के होते हैं उन्हें सिंपली क्या किया जाता है कैश में कॉपी किया जाता है ठीक है एंड दैन ब्लॉक इज़ नॉट एक्चुअली ब्रॉट इन फ्रॉम द मेन मेमोरी ठीक है उसे उठाकर नहीं ले आते सिर्फ उसको कॉपी कर देते हैं ठीक है वहां पे भी वो एग्जिस्ट करता रहेगा और कैश में भी आ जाएगा अब देखिए कैश मैपिंग की तीन टेक्निक्स होती हैं यहाँ से थेरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जर्नली एग्जाम्स में आता है ठीक है तो देखिए कैश मैपिंग टेक्निक्स में थ्री टेक्निक्स आती हैं कि किस तरह से हम मैपिंग कर रहे हैं डायरेक्ट मैपिंग हो सकती है एसोसिएटिव मैपिंग हो सकती है और सेट एसोसिएटिव मैपिंग हो सकती है ठीक है इसे अगर सिंपली एसोसिएटिव मैपिंग आता है तो यही होती है फुली एसोसिएटिव मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग आता है या के वे एसोशिएटिव मैपिंग आता है तो क्या है कैशे मैपिंग टेक्निक्स हैं ठीक है तो देखिए डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है एक्चुअल में डायरेक्ट मैपिंग क्या है अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन मैप ओनली टू अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ द कैशे अगर ये हमारी कैशे है ठीक है और ये हमारी मेन मेमोरी है तो देखिए जो भी पर्टिकुलर ब्लॉक है मेन मेमोरी का तो वो पर्टिकुलर लाइन के साथ ही क्या हो सकता है मैप हो सकता है तो ये वाला कंटेंट हम यहीं पर लेकर आ सकते हैं ठीक है तो इस तरह से होता है कि पर्टिकुलर जो ब्लॉक है मेन मेमोरी का वो मैप होगा पर्टिकुलर लाइन ऑफ द कैशे ठीक है तो ये होता है डायरेक्ट मैपिंग में तो लाइन नंबर ऑफ कैशे टू विच अ पर्टिकुलर ब्लॉक कैन मैप इज गिवेन बाय तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कैसे लाइन नंबर कैलकुलेट करते हैं मेन मेमोरी का जो ब्लॉक एड्रेस है उसको डिवाइड करते दे मॉड्यूलो ठीक है मॉड्यूलो लेंगे नंबर ऑफ लाइंस इन कैशे कितनी टोटल लाइंस हैं कैशे में ठीक है कितनी टोटल लाइंस हैं कैशे में उससे क्या कर देते हैं जैसे हैशिंग के कॉन्सेप्ट में करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में उसी तरह से यहाँ पे हम कर रहे हैं ठीक है तो मेन मेमोरी का ब्लॉक एड्रेस लिया एंड देन मॉड्यूलो कर दिया नंबर ऑफ लाइंस इन कैशे से ठीक है तो वो, वो इनमें से ही कोई आपको मिल जाएगी तो वहीं उसी के साथ क्या कर दिया जाता है मैप कर दिया जाता है तो देखिए यहाँ पे क्या डायरेक्ट मैपिंग में हमें रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी ठीक है तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से में रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट पड़ती है तीन टेक्निक्स हैं हमारे पास मैप डायरेक्ट मैपिंग एसोसिएटिव मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग तो देखिए डायरेक्ट मैपिंग में रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है क्योंकि मेन मेमोरी ब्लॉक कैन मैप ओनली टू अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ द कैशे ठीक है वहाँ उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ द कैशे पर ही क्या करे वो के साथ ही मैप कर रहा है ठीक है सो न्यू इनकमिंग ब्लॉक विल ऑलवेज रिप्लेस द एग्जिस्टिंग ब्लॉक इन दैट पर्टिकुलर लाइन ठीक है तो वो उसी पर्टिकुलर वाले ब्लॉक को उसी पर्टिकुलर को क्या करेगा रिप्लेस uh, कर देगा ठीक है और कुछ नहीं करेगा ठीक है सो यहाँ पर रिप्लेसमेंट एल्गोरिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है नेक्स्ट हमारे पास आता है फुली एसोसिएटिव मैपिंग तो देखिए फुली एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होता है अब ब्लॉक ऑफ मेन मेमरी कैन मैप टू एनी लाइन ऑफ द कैशे दैट इज फ्रीली अवेलेबल एट दैट मोमेंट ठीक है किसी भी लाइन ऑफ द कैशे के साथ हम क्या कर सकते हैं उसे मैप कर सकते हैं जो भी उस टाइम पे फ्री है ठीक है दिस मेक्स फुली एसोशिएटिव मैपिंग मोर फ्लेक्सीबल देन डायरेक्ट मैपिंग तो ये इस, इसी वजह से ये क्या हो जाती है थोड़ी फ्लेक्सीबल hmm. हो जाएगा तो देखिए क्या रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स की फुली एसोसिएटिव मैपिंग में रिक्वायरमेंट रहती है तो येस yes, यहाँ पे हमें यूज़ करने पड़ते हैं रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मोस्ट रिसेंटली यूज एल आर यू लीस्ट रिसेंटली यूज ठीक है वही एल्गोरिदम्स हम यहाँ यूज़ करते हैं जो भी रहेंगे ठीक है तो देखिए रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स सजेस्ट करेगा कि कौन से ब्लॉक को रिप्लेस करना है अगर सभी कैश लाइन्स ऑक्यूपाइड हैं ठीक है अगर कव, सब कोई भी फ्री नहीं है अभी हम बो, बोला कि जो भी फ्री होगी वहाँ पे हम वो स्पेस यूज़ कर लेंगे कैश में लेकिन अगर कोई भी फ्री नहीं है सो इन दैट केस रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम विल बी यूज और अकॉर्डिंगली हम चेक करेंगे कि कौन से जो भी हमारा एल्गोरिदम है उसके बेस पर चेक करेंगे कौन से लाइन में हमने मैप uh, करना है ब्लॉक को देन देखिए रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स लाइक एफ सी एफ एस यस एल जो भी यूज़ कर uh, होगा वो हो जाएगा देन वी हैव के वे सेट एसोशिएटिव मैपिंग तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जाता है कि कैशे लाइंस जो है ना उन्हें क्या कर देते हैं ग्रुप कर देते हैं इनटू सेट्स तो अगर टोटल हमारे पास कैशे में कितना है टोटल लाइन्स सपोज सिक्स हैं ठीक है तो हमने टू टू का कर लिया के वे एसोशिएटिव है तो अगर टू वे एसोशिएटिव होगा तो हम इसे टू से डिवाइड कर देंगे और थ्री सेट्स बन जाएंगे ठीक है कितने सेट्स बन जाएंगे थ्री सेट्स बन जाएंगे तो टोटल तो जितनी भी कैशे लाइन्स होंगी उन्हें क्या कर दिया जाता है उन्हें ग्रुप कर दिया जाता है सेट्स में ठीक है अलग अलग सेट्स बना दिए जाते हैं ठीक है देन हम क्या करेंगे हर सेट वेयर ईच सेट कंटेन्स के नंबर ऑफ लाइन्स ठीक है जैसे हमने देखा अगर टोटल सिक्स लाइन्स हैं और हमने टू से डिवाइड कर दिया टू वे लिया है तो अब आ, कितने सेट्स बन गए थ्री सेट्स बन गए अब तीनों सेट्स में कितनी लाइन्स होंगी टू टू लाइन्स होंगी ठीक है तीनों सेट्स में कितनी कितनी लाइन्स होंगी टू टू लाइन्स होंगी तो टोटल कितनी हो जाएंगी सिक्स हो जाएंगी तो देखिए अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन मैप टू ओनली वन पर्टिकुलर सेट ऑफ द कैशे तो पर्टिकुलर जो ब्लॉक होगा वो मैप कर सकते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट से सेट के साथ सो हाउ एवर विद इन दैट सेट द मेमरी ब्लॉक कैन मैप एनी कैशे लाइन दैट इज फ्रीली अवेलेबल अब उस सेट में से किसी के साथ भी मैप कर सकते हैं जो फ्रीली अवेलेबल है सो द सेट ऑफ द कैश टू विच अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ द मेन मेमरी कैन मैप इज गिवेन बाय अब कैसे सेट नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करेंगे मेन मेमोरी ब्लॉक एड्रेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइंस करे थे डायरेक्ट में बट हेअर वी विल बी यूजिंग नंबर ऑफ सेट्स इन कैश जितने सेट्स हैं कैश में उसके साथ उसका उससे क्या करें उस मॉड्यूलो कैलकुलेट करें ठीक है मॉड्यूलो फाइंड आउट करेंगे तो टोटल उसकी रेंज जो है वहीं तक रहेगी अगर थ्री सेट्स हैं तो टू जीरो से टू ही उसकी रेंज रहने वाली है ठीक है तो चलिए तो देखिए सेट एसोसिएटिव मैपिंग जो है ये कॉम्बिनेशन है डायरेक्ट मैपिंग और फुली एसोसिएटिव मैपिंग का तो यहाँ पे हम फुली एसोसिएटिव मैपिंग आ, हर सेट के बीच में यूज़ करें जहाँ हम कह रहे हैं जो भी फ्रीली अवेलेबल होगा वहाँ पे आ, कर लिया जाए तो ये यूज़ करने की वजह से हमें रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या करना पड़ेगा यूज़ करना पड़ेगा सेट एसोसिएटिव मैपिंग में भी नेक्स्ट में हमारे पास देखिए क्या आता है ये था कैशे से रिलेटेड नेक्स्ट आती है मेन मेमोरी तो मेन मेमोरी हमारी होती है रैम एंड रोम रैम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू एस रैम डी रैम स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम रोम इज़ डिवाइडेड इनटू पी रोम ई प्रोम एंड ई ई प्रोम थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं तो देखिए रैम एंड रोम टेम्परेरी रैम क्या है टेम्परेरी स्टोरेज है दिस इज़ परमानेंट स्टोरेज दिस इज स्टोर डेटा इन एम बीज एंड इट स्टोर्स डेटा इन जी बीज़ इट इज़ वॉलेटाइल एंड इट इज़ नॉन वॉलेटाइल ठीक है पावर जाने पर इसका कंटेंट जो है नहीं जाता है यूज इन नॉर्मल ऑपरेशन यूज फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर ठीक है यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि रोम कब कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है ठीक है तो ये जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है बूटिंग का प्रोसेस होता है वहाँ पे कौन सा यूज़ uh, होता है रोम यूज़ होता है राइटिंग डेटा इज़ फास्टर राइटिंग डेटा इज़ स्लोअर नेक्स्ट देखिए रैम में हमारे पास दो तरह की रैम्स आती हैं डी रैम एंड एस रैम सो वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंस्ट्रक्टेड ऑफ टाइनी कैपेसिटर्स दैट लीक इलेक्ट्रिसिटी कंस्ट्रक्टेड ऑफ सर्किट्स सिमिलर टू डी फ्लॉप्स ठीक है so, ये टाइनी कैपेसिटर्स से बनता है डायनमिक रैम एंड स्टैटिक रैम बनता है सर्किट्स जो सिमिलर होते हैं डी फ्लिप फ्लॉप्स इट रिक्वायर्स द रिचार्ज एवरी फ्यू मिलीट सेकेंड्स टू मैंटेन इट्स डेटा इसको बार बार रिचार्ज करना पड़ता है एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स मतलब बहुत माइन्यूट सा टाइम हो गया ना इतने में इसको बार बार रिचार्ज करना पड़ता है ताकि इसका डेटा मेनटेन्ड रहे और होल्ड इट्स डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज अवेलेबल तो ये क्या करता है पावर जब तक अवेलेबल है तब तक कंटेंट को होल्ड करके रखता है इट इज़ इन एक्सपेंसिव एंड इट इज एक्सपेंसिव वो या कंपेरिंग बोथ ऑफ दीज ठीक है अगर हम सेकेंडरी से देखिए कंपेयर करेंगे या वैसे देखें तो रैम कॉस्टली होती है बट वी आर एक्सपेंसिव कंपेयरिंग बोथ ऑफ दीज सो स्लोअर देन एस रैम बट इट इज़ फास्टर देन डी रैम ठीक है डी रैम से फास्टर होती है ये क्योंकि ये देखिए कैशे में यूज़ हो रही है ठीक है एस रैम जो होती है हमारी ये कैशे में यूज़ होती है कैन स्टोर मैनी बिट्स पर चिप कैन नॉट स्टोर मैनी बिट्स पर चिप इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है कंपेयर टू डी रैम ठीक है यूज लेस पावर यूज मोर पावर जनरेट्स लेस हीट जनरेट्स मोर हीट जेनरेट्स यूज फॉर मेन मेमरी एंड इट इज़ यूज फॉर एस रैम इज यूज फॉर कैशे देन देखिए रीड ओनली मेमरी की टाइप्स देख लेते हैं पी रोम ई प्रोम ई पी प्रोम रोम तो देखिए पी रोम में प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी ये जब प्रोग ये यूजर प्रोग्राम करता है और जब प्रोग्राम कर लेते हैं तो इसके कंटेंट्स को चेंज नहीं किया जा सकता ई e प्रोम So, this is erasable programmable read-only memory. It can be reprogrammed to erase data from it exposed to ultraviolet lights. To reprogram it, erase all the previous data. So, EEPROM electrically erasable. Okay? It is electrically erasable. So, data can be erased by applying an electric field with no need for ultraviolet light. We can erase only portion of the chip. ठीक है एक पोर्शन भी हम क्या कर सकते हैं चिपका यूज कर सकते हैं मतलब इरेज कर सकते हैं और वापस यूज कर सकते हैं नेक्स्ट वी हैव मास्क रोम दैट इज एम रोम मास्क रोम इज अ काइंड ऑफ रीड ओनली मेमोरी दैट इज द टाइम ऑफ प्रोडक्शन लाइक अदर टाइप्स ऑफ रोम कैन नॉट इनेबल द यूजर टू चेंज द डेटा स्टोर्ड इन इट इफ इट कैन द प्रोग्राम प्रोसेस वुड बी डिफिकल्ट और स्लो नेक्स्ट देखिए आती है सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हम देख रहे हैं मैग्नेटिक uh, डिस्क को थोड़ा सा तो देखिए इसके आर्किटेक्चर में क्या रहेगा अभी जो हमारी इंटायर डिस्क है वो डिवाइडेड होती है डिफरेंट प्लेटर्स में ठीक है और हर प्लेटर कंसिस्ट हर प्लेटर जितने भी प्लेटर्स होंगे वो कंसिस्ट उन पर क्या होंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे ठीक है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे ठीक है जिनका सेंटर क्या है सेम है वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है वो क्या होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ठीक है तो हर प्लेटर ईच प्लेटर कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड कॉल्डेस्ट ट्रैक्स ठीक है अब इन सर्कल्स को एक एक इस वाले इस सर्कल को हम क्या बोल रहे हैं ये ये चीज क्या है एक ट्रैक है ये चीज क्या है एक ट्रैक है ये चीज क्या एक है चीज़ क्या? एक ट्रैक है ठीक है ये क्या है डिफरेंट ट्रैक्स हैं और हर ट्रैक डिवाइड होता है सेक्टर्स में ठीक है ये देखिए ट्रैक है ये डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइडेड है सो डिस्क डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड ट्रैक डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स ठीक है नेक्स्ट देखिए सिलेंडर कैसे बनता है यहाँ पे हम तीन टर्म सुनते हैं जब भी हम बात करते हैं तो थ्री टर्म्स की बात होती है सिलेंडर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ठीक है तो, तो देखिए सिलेंडर कैसे बनती हैं तो ये देखिए ये एक ट्रैक है ये एक ट्रैक है ये एक ट्रैक है ठीक है तो जब हम कंबाइन कर रहे हैं ट्रैक्स को जो एक पर्टिकुलर रेडियस पे हैं ठीक है ये ट्रैक जो रेडियस है इनका सभी ट्रैक्स का क्या है सिमिलर है जो इसी तरह से ये बाढ़ ट्रैक्स uh, होंगे इनका इन सभी ट्रैक्स का क्या होगा सिमिलर होगा ठीक है तो यहाँ पे ये फ़र्क होता है सिलेंडर कैसे बनता है जब हम कंबाइन करते हैं उन ट्रैक्स को जो एक पर्टिकुलर रेडियस पर हैं ठीक है तो ये क्या बन जाएगा आपका एक सिलेंडर बन जाएगा ठीक है इसी तरह से नंबर ऑफ सिलेंडर्स होते हैं हमारे ठीक तो ये देखिए अब यहाँ पे कैसे रीड राइट कैसे होता है तो देखिए यहाँ पे जब भी रीड करना है राइट करना है ठीक है तो जब ये रीड राइट हेड होता है ये पर्टिकुलर सेक्टर तक पहुँचता है ठीक है तो पहले पर्टिकुलर ट्रैक को फाइंड आउट करेगा देन सेक्टर तक पहुँचता है ठीक है यही काम होता है इस यही इसी को ही बोलते हैं हम जो हमारे डिफरेंट आते हैं यस यहाँ पे दो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्क परफॉर्मेंस ठीक है तो डिस्क की परफॉर्मेंस किन चीज़ों के ऊपर इफेक्टेड होती है सीक टाइम रोटेशनल लेटेंसी डेटा ट्रांसफर रेट कंट्रोल ओवर हेड एंड क्यूइंग डिले ठीक है तो मेन हमारे पास जो एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीक टाइम और रोटेशनल लेटेंसी से तो देखिए सीक टाइम क्या होता है जब भी हमारा रीड राइट हेड डिजायर्ड ट्रैक तक पहुँच रहा है ठीक है द टाइम टेकन बाय द रीड राइट हेड टू रीच द डिजायर्ड ट्रैक ठीक है जब वो डिजायर ट्रैक तक पहुंच रहा है ठीक है अब ये ट्रैक भी है ये ट्रैक भी है अलग अलग ट्रैक्स हैं तो उसे डिजायर ट्रैक तक पहुँचना है वो जितना टाइम ले रहा है उसे क्या बोलते हैं हम सीख टाइम अब देखिए रोटेशनल लेटेंसी क्या है अब यहां तक तो पहुंच गया अब उसे क्या करना पड़ेगा ट्रैक पर पहुँचने के लिए बाद उसको थोड़ा सा रोटेट भी करना पड़ेगा ठीक है अब रोटेट करने के लिए उस भी थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक है सो दैट इज रोटेशनल लेटेंसी ठीक है एक पर्टिकुलर सेक्टर तक जब वो पहुंच जाए ठीक है जो यहाँ पे अगर एक ट्रैक पे पहुँच गया तो रोटेट करके वो क्या कहाँ पहुँच रहा है रीड राइट है पर्टिकुलर सेक्टर तक पहुँच रहा है ठीक है तो वो जो जितना टाइम लिया जाएगा वो कहलाता है रोटेशनल लेटेंसी ठीक है तो इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है ठीक है अगर हमें डिस्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आ, हमारा इफ़ेक्ट करते हैं बेसिकली डिस्क परफॉर्मेंस को नेक्स्ट हमारे पास आता है आई ओ इंटरफेस दैट इज़ इनपुट आउटपुट इंटरफेस इन विच जो सिलेबस में आपके दिया हुआ है वो कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं इंटरप्ट एंड डी एम ए मोड ठीक है अदरवाइज चीज़ें बहुत हैं इसमें भी ठीक है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अननेसेसरीली टाइम वेस्ट करें ठीक है तो देखिए वो मेथड जो यूज़ किया जाता है टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन बिटवीन इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल आई ओ डिवाइस इज़ नोन एज आयो इंटरफेस ठीक है सबसे पहले तो जो टॉपिक दिया हुआ है उसको समझें कि आयो इंटरफेस है क्या वो मेथड जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन बिटवीन इंटरनल स्टोरेज जो भी हमारा देखिए मेनली जो होता है मेन मेमोरी से ही कंटेंट क्या होता है ज़्यादातर क्या है जा रहा होता है या वहाँ पे आ रहा होता है ठीक है फिर वो सेकेंडरी में जा रहा है ठीक है कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं रन कुछ भी करते हैं तो मेनली हम ज़्यादातर क्या यूज कर रहे होते हैं जो भी स्टोरेज होती है वो यूज़ कर रहे होते हैं मेन मेमोरी ठीक है इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल जो आईओ डिवाइसिज हैं उनके बीच में जो ट्रांसफर हो है, उस वो किस वो मेथड क्या है आईओ इंटरफेस अब देखिए सी पी यू जो है वो इंटरफेस्ड है यूजिंग स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक्स बाय पैरिफेरल्स कनेक्टेड टू एनी कंप्यूटर सिस्टम अब देखिए इन्हीं इन्हीं पेरे कम्युनिकेशन जो लिंक्स हैं जो यही कम्युनिकेशन लिंक्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं टू तो सॉल्व द डिफरेंसेस बिटवीन सीपीयू एंड पेरेफ्रल ठीक है आप देखिए जो स्पीड है वो सीपीयू की कम है ज़्यादा है पेरेफरल्स की कम है ज़्यादा है तो इन वजह इसकी वजह से कई चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में सेट करनी पड़ती हैं ताकि स्पीड के जो इश्यूज़ हैं वो ना रहे सी उतना टाइम आइडल ना रहे ठीक है तो देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट स्पेशल हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स बिटवीन सी पी यू एंड पेरीफ्रल टू सुपरवाइज एंड सिंक्रोनाइज ऑल द इनपुट एंड आउटपुट ट्रांसफ़र्स ठीक है कुछ स्पेशल हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं सी पी ओ और पेरीफ्रल्स के बीच में ताकि वो सुपरवाइज कर सकें और सिंक्रोनाइज़ कर सकें जितना भी इनपुट या आउटपुट ट्रांसफ़र किया जाना है ठीक है तो उनको क्या बोला जाता है इंटरफेस यूनिट्स बोला जाता है ठीक है उन्हें क्या बोला जाता है इंटरफेस यूनिट्स बोला जाता है अब देखिए हमारे डिफरेंट जो मॉड ऑफ ट्रांसफर्स हैं जो क्वेश्चन बनता है आपका वो कहां से बन सकता है वो चीजें इंक्लूड की हैं मैंने सिर्फ ठीक है प्रोग्रामड इनपुट आउटपुट इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट एंड डीएमए दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ठीक है तो देखिए डेटा ट्रांसफर टू एंड फ्राम द पेरेफिरल्स मे बी डन इन वन ऑफ द थ्री पॉसिबल वेज ठीक है चाहे हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं पेरेफिरल्स पर या उनसे ले रहे हैं तो ये तीन तरीके हैं हमारे पास जिनके थ्रू ट्रांसफर पॉसिबल है तो देखिए सबसे पहले आता है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट सो देखिए इट इज़ ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिटर्न इन द कम्प्यूटर प्रोग्राम ईच डेटा आइटम ट्रांसफ़र इज़ इनिशिएटेड बाय एन इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम जो भी इंस्ट्रक्शन होती है हमारे लिखी हुई होती है उसी के बेस पे डेटा आइटम ट्रांसफ़र होंगे ठीक है तो अगर हमने सी का ही प्रोग्राम बनाया अगर हमने इंटे भी लिखा है देन हम कह रहे हैं सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी या उससे पहले हम स्कैन एफ करके वैल्यूज़ एंटर करा रहे हैं ठीक है वैल्यूज़ एंटर करा रहे हैं सपोज़ इसकी किसकी ए और बी की ठीक है तो हम क्या करा कर, कराना चाह रहे हैं कि दोनों वैल्यूज़ एंटर कराना चाह रहे हैं परसेंट डी परसेंट डी ए बी ठीक है %D, %D, A, B, इन दोनों की वैल्यूज हम क्या कराना चाह रहे हैं एंटर कराना चाह रहे हैं तो यूज़र से अभी जो हमने इंस्ट्रक्शनस लिखी है उन्हीं के बेसिस पे पता चलेगा वापस अब हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो देखिए जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं उन्हीं के बेसिस पे पता चलेगा कि डेटा जो है अब यूज़र से लेना है अब देना है ठीक है तो अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट का जो केस होता है ना यहाँ पे जर्नली क्या है सी मॉनिटर करता रहता है एवरी टाइम ठीक है कौन मॉनिटर कर रहा है सी पी यू कॉन्सटेंटली सी पी यू मोनीटर कर रहा है यूजली द ट्रांसफर इज फ्रॉम अ सी पी यू रजिस्टर एंड मेमरी जो ट्रांसफर होता है वो रजिस्टर और मेमरी के बीच में हो रहा है ठीक है तो देखिए यहाँ पे प्रोग्रामड इनपुट आउटपुट के केस में जो मॉनिटरिंग है कॉन्स्टेंटली वो कौन कर रहा है सी पी यू कर रहा है ठीक है मोनी पैरिफ्रल डिवाइसिस ही कब क्या हो रहा है किससे लेना है क्या नहीं लेना है ठीक है तो देखिए इस केस में इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है उसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है मेमोरी यूनिट के साथ ठीक है उसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है जो हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस वाला वे है तरीका है उसमें होगा यहाँ पर नहीं है सो देखिए अ ट्रांसफर ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस टू मेमोरी रिक्वायर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल इंस्ट्रक्शन बाय द सी पी यू इंक्लूडिंग एन इनपुट इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम डिवाइस टू द सी पी यू सब चीज़ों को कौन देख रहा है देखिए सी देख रहा है सो इन प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट द सी पी यू स्टेज इन द प्रोग्राम लूप अंडिल द इनपुट आउटपुट इंडिकेट्स दैट इट इज़ रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर ठीक है तो इस वजह से ये क्या रहता है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है और अननेसेसरली देखिए सीपी यू बिजी है कहीं और ठीक है सो दिस सिचुएशन कैन बी अवॉइडेड बाई यूजिंग एन इंटरप्ट फैसिलिटी अब इंटरप्ट फैसिलिटी इंटरप्ट कर सकते हैं कभी इनपुट की ज़रूरत है तो इंटरप्ट कर देगा वो और सिर्फ तभी Uh, क्या है सी देख लेगा कि हाँ चलो कौन आया अभी अभी देखिए कोई घर में आने वाला है तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि दरवाजे पे बार 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 चक्कर काटते रहे हाँ कोई आने वाला है देख लें देख लें ऑब्वियसली कोई आएगा तो रिंग करेगा बेल रिंग करेगा इसलिए है, है ना तो वो बेल जब रिंग होगी तो हम देख लेंगे कौन आया तो उसी तरह से यहाँ पर प्रोसेस रहता है अननेसेसरीली uh, ये क्या कर रहा है देखता चला जा रहा है कि हाँ कोई नहीं देख लेता हूँ किसी को कुछ चाहिए तो नहीं लेकिन अब देखिए इंटरप्ट की फैसिलिटी जब दे दी तो क्या किया जाएगा अब बाई यूजिंग इंटरप्ट फैसिलिटी एंड स्पेशल कमांड्स टू इन्फॉर्म द इंटरफेस टू इशू एंड इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल तो अब यहाँ पे जब भी इंटरप्ट आएगा तब चेक कर लेगा ठीक है तो इन द मीन टाइम सी क्या कर सकता है बाकी की जो एग्जीक्यूशन करनी है वो काम कर सकता है ठीक है तो बाकी का, का काम करेगा इन बिटवीन तो जैसे ही इंटरप्ट आएगा एक्सटर्नल इंटरप्ट सिग्नल आएगा तो सी जो भी अपना काम कर रहा है वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप करके चेक कर लेगा और फिर ट्रांसफ़र जो भी इनपुट आउटपुट लेना है देना है वो देखे अब ना फिर काम में लग जाएगा ठीक है तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों मेथड्स जो हमने देखे अभी तक प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट और इनपुट ड्रिवन इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट इनमें क्या एक्टिव इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है प्रोसेसर की राइट तो यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है यहाँ पे भी देखिए इंटरप्ट आया तब तो सीपीयू को जाना पड़ेगा ठीक है तो देखिए यहाँ लेकिन अगर हम देखें डी में नहीं होगा वो तो यहाँ पे एक्टिव इंटरवेंशन दोनों का क्या है रिक्वायर्ड है तो इस वजह से ये दोनों मेथड्स होते हैं ये सफ़र करते हैं दो ड्रॉबैक्स से ठीक है तो ये चीज़ें क्या होता है एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ ली जाती हैं ठीक है ठीके? तो देखिए इनपुट आउटपुट ट्रांसफर रेट जो होगा ना वो लिमिटेड हो जाएगा बाय द स्पीड विद विच प्रोसेसर कैन टेस्ट एंड सर्विस डिवाइस जो इनपुट आउटपुट ट्रांसफर रेट है वो भी क्या हो जाएगा लिमिटेड हो जाएगा देन प्रोसेसर इज़ टाइड अप इन मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ट्रांसफर अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच इनपुट आउटपुट ट्रांसफर ठीक है तो वो चीज़ें हमारी कहाँ एवॉयड की जाती हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में वो चीज़ें क्या होंगी एवॉयड की जाएंगी तो देखिए डेटा ट्रांसफर बिटवीन अ फास्ट स्टोरेज मीडिया सच एज मैग्नेटिक डिस्क एंड मेमोरी यूनिट इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ द सीपीयू पी दस वी कैन अलाउ द पेरेफिलरल डायरेक्टली कम्युनिकेट विद ईच अदर ठीक है अभी सी की स्पीड अलग है वो मिस रहता है अदरवाइज तो हम क्या कह रहे हैं अभी पैरेफिलल्स को डायरेक्ट क्या दो कम्युनिकेट कर सकें वो ठीक है तो अब वो मेमोरी बसेस के थ्रू क्या करती हैं डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेते हैं तो वो क्या होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस वेर देयर इज़ नो नीड ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ द सीपीयू दिस टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफर टेक्निक इज नोन एज डी और दैट इज डेटा मेमरी डायरेक्ट मेमरी एक्सेस ड्यूरिंग डी एम ए दैट सी पी यू इज़ आइडल एंड इट हैज नो कंट्रोल ओवर द मेमरी बसेज तो यहाँ पे देखिए सी जो है उतना टाइम फ्री रहेगा और जो डी कंट्रोलर है ठीक है डी डायरेक्ट मेमरी एक्सेस में डी कंट्रोलर यूज़ किया जाता है तो डी कंट्रोलर जो है वो क्या करेगा टेक्स ओवर द बसेज टू मैनेज द ट्रांसफर डायरेक्टली फ्राम आईओ डिवाइसेज एंड मेमरी यूनिट ठीक है तो डायरेक्टली ही उनका कॉम्युनिकेशन रहेगा बीच में सी की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो ये हमारे तीन आ, क्या होते हैं मोड ऑफ़ ट्रांसफर्स ठीक है आईओ इंटरफेस में ठीक है इनपुट आउटपुट इंटरफेस में तीन चीजें आ जाती हैं प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट देन इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट एंड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ठीक है इनके एमसीक्यूज़ क्यूज एक अलग सेक्शन में देख लेंगे चलिए सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग